राजमहल कैंपस में मुनक्किदा तकरीब में स्कूल प्रेक्टर अहमद अदील, प्रिंसिपल मिसेज आशा अदील, फैकल्टी मेम्बरान, वालदेन और बच्चों ने कसी तादाद में शिरकत की। प्रोफेशनल परेड के नाम से मुनक्किदा तकरीब में नर्सरी से केजी क्लास तक के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्तलिफ पेशा वराना शोबों में बच्चों ने मुख्तलिफ लबास ज़ेब-तन करके रैंप पर मॉडलिंग के जौहर भी दिखाए और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। प्रोफेशनल परेड में कहीं छोटी बच्चियां माहिर ब्यूटिशियन के फ्राइज निभाते हुए मेकअप करने में मसरूफ नजर आईं तो कहीं नन्हे डॉक्टर मसीहाई का फरीजा अंजाम देते रहे। स्कूल में सब्जी व फ्रूट बेचने वालों से लेकर जादूगर, दर्जी, म्यूजिशियन, मछली फ्रोश, मोची, हलवाई और कपड़े रंगाई करने वाले समेत हर किस्म की दुकान सजाई गई थी। स्कूल डायरेक्टर अहमद अदील का कहना है कि इनके स्कूल में हर महीने बच्चों के लिए ऐसी ही एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है जिसमें इन्हें अमली जिंदगी से मुतल्लिक आगाही और शौर फराहम करने की कोशिश की जाती है। आज का जो फंक्शन है प्रोफेशन परेड, उसमें हमने ये किया हुआ है कि हर प्रोफेशन जो इनकी डेली लाइफ में ये देखते हैं, बैंकर से ले और सब्जी फरोश तक, वो सारे हम कवर किए और सब बच्चों ने खुद परफॉर्म किया। ये बच्चों के वालदैन ने तकरीब के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि ऐसी तकारीफ बच्चों में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करती है। It's very, very wonderful. Stepping Stones have done a wonderful job, superb job by picking out and bringing out the talents of their students. Function देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो है ना वो होने चाहिए। बच्चों को इनसे बहुत कुछ आगे सीखने को भी मिलता है और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नन्हे आर्टिस्टों ने अपने अपने किरदार को नहायत खूबसूरती से निभाया और साबित किया कि अगर इन्हें मौके फराहम किए जाएं तो वो भी किसी से कम नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ जहाँ बच्चों को तफरी के मौके फराहम करती है, वहीं इनकी ज़हनी क्लासों में निखार पैदा करने में भी मददगार साबित होती हैं। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ फिजा नूर, सिटी 4।